तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, डंकी वर्सेस सालार या फिर बोल दो शाहरुख खान वर्सेस प्रभास या फिर प्रशांत नील वर्सेस राजकुमार हिरानी, देखा जाए तो कोई भी इक्वल मैच नहीं है, लेकिन अपने अपने फील्ड पर ये चारों बंदे प्रशांत नील, राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान, प्रभास, ये बाप हैं अपने अपने लेवल पर, अपने अपने जगह पर। और इनकी जो फैन फॉलोइंग है, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। और जो इस टाइम पर वॉर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक वॉर तो सेट हो चुकी है, 22 दिसंबर को डंकी सालार ये आमने सामने होगी, और इससे बड़ी जंग और क्या हो सकती है। मैं कह रहा हूँ इंडियन सिनेमा में ये जंग, ये मूवी, ये क्लैशेस, ये जानी जाएगी, ये हिस्ट्री मेकिंग जो मोमेंट क्रिएट कर दिया है इन लोगों ने, ये आगे आने वाले कई सालों तक ये बात चर्चे में रहेगी। लेकिन शुरुआत में ही ऐसा बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सी जगह पर फैंस की जो लड़ाई चल रही ना, हाँ मेन जो लड़ाई चल रही ना, फैन बेस पर लड़ाई चल रही है, क्योंकि सालार के जो फैन फॉलोइंग है या फिर प्रभास कह लो, प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है अमेजिंग है, नो डाउट, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग थी पठान और जवान से पहले जो थी, वो एक बार के लिए थोड़ा नाराज से हो गए थे, लेकिन जब पठान आई, उसके बाद जब जवान आई, और अब जब डंकी आनी है, तो भैया अब यहाँ से ना जो फैन फॉलोइंग हो चुकी है SRK की, इससे पहले भी थी, दमदार थी, लेकिन अभी जो स्ट्रांगनेस आ चुका है, जो रिजिडनेस आ चुका है, वो ज़बरदस्त लेवल का आ चुका है। तो जो फैन लेवल की लड़ाई चल रही है, मतलब एक दूसरे की फिल्मों को, अपने अपने एक दूसरे के एक्टर्स को बुरा भला कहे जा रहे हैं, बहुत सी जगह मैं देख रहा हूँ बहुत ही खतरनाक लेवल की बहसबाजी भी चल रही है, हैं सीधे सीधे बोला जा रहा है सालार पिट जाएगी, सालार के फैंस बोल रहे हैं डंकी पिट जाएगी। तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है कि डंकी खा जाएगा प्रभास को, क्योंकि शाहरुख खान की जो फॉर्म चल रही है वो जबरदस्त चल रही है, नो डाउट जबरदस्त फॉर्म चल रही है, लेकिन सामने प्रभास है, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, है ना, क्योंकि आदि पुरुष जैसी फिल्म से भी है 350 करोड़ का अगर बिजनेस कर सकता है, तो फिर सोच लीजिए आप कि सालार के साथ ये कॉन्टेंट, ऐसे कॉन्टेंट के साथ कहाँ तक जाएगा। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि दोनों मूवी आएंगी, पर ऐसा नहीं है कि दोनों मूवी पिट जाएंगी या फिर दोनों मूवी कम बिजनेस करके जाएंगी, दोनों मूवी अपने लेवल का ज़बरदस्त बिजनेस करके जाएंगे, लेकिन घाटा सिर्फ एक को नहीं, घाटा दोनों को होने वाला है, और सॉलिड होने वाला है, क्योंकि अगर ये सिंगल डे पर रिलीज करी जाती तो 1500 करोड़ इनके कहीं नहीं गए थे, बाय गॉड कहीं नहीं गए थे, क्योंकि शाहरुख खान की जो जवान चल रही है इस टाइम पर, ये 1200 करोड़ ईजिली टच करके जाएगी ही जाएगी, और आज एंड ऑफ द डे तक जवान 1100 करोड़ तो टच करेगी। तो यस, डंकी से भी सीधा उम्मीद हम कर सकते हैं कि यस वो मूवी दमदार जाएगी। दूसरी तरफ प्रभास कमबैक के लिए बहुत लंबा समय से वेट कर रहे थे, और सालार जैसे कंटेंट ही इनका कमबैक ला सकता है, और ज़बरदस्त ला सकता है, और ये दूसरी तरफ बिजनेस भी करके जाती है। अगर सिंगल डे में रिलीज होती, सिंगल विदाउट कॉम्पिटिशन, तो यस ये मूवी भी आराम से 1500 करोड़ का बिजनेस करके ले जाती। दूसरी तरफ प्रशांत नील और डायरेक्टर की जो लड़ाई चल रही है, प्रशांत नील वर्सेस राजकुमार हिरानी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो राजकुमार हिरानी ये बंदा तजुर्बे का बंदा है, इसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और इसके कोई भी कंटेंट बिल्कुल मात नहीं खाता है, है ना। तो किसी भी एंगल से अगर हम सोच लें कि डंकी का कंटेंट ऐसे होने वाला है, कतई नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बंदा अपने काम से जाना जाता है, और जब भी आता है आग फोड़ के जाता है। तो वही चीज़ दोबारा डंकी में होने वाली है। लेकिन प्रशांत नील क्या दूसरी तरफ इसे कम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। KGF जैसा हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, तो यस KGF यूनिवर्स को कौन प्यार नहीं करता, सभी प्यार करते हैं। वही चीज़ हमें सालार में देखने को मिल रही है, इसीलिए वो ट्रिगर भी हो रही है ना। तो बस दोनों कॉन्टेंट की मैं अभी बात कर चुका हूँ, ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो फैंस की लड़ाई चल रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है यार। देखो फैंस की लड़ाई किस लेवल तक पहुंच गई है, डुप्लीकेट कंटेंट बता दिया जा रहा है। सालार के फैंस डंकी को क्या कहते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट बता रहे हैं, रीमेक कंटेंट बता रहे हैं, और डंकी के फैंस जो हैं, मतलब शाहरुख खान के जो फैंस हैं, वो प्रभास की मूवी सालार के कंटेंट को, मूवी को रीमेक बता रहे हैं, है ना। तो SRK का जो वही चीज़ की SRK फैंस बोल रहे हैं ना, सालार जो है प्रशांत नील की डेब्यूट फिल्म उर्गम की रीमेक है, विथ प्रूफ बोल रहे हैं, वो भी फोटोज में सिमिलैरिटी निकाल के, क्योंकि उर्गम की कोई एक फ़ोटो होगी, है ना, लेकिन हु नोज, ये चीज एडिटिंग भी तो हो सकती है, हु नोज। तो ये जो प्रूफ के साथ सिमिलैरिटी सेट कर रहे हैं, सालार का जो थीम पोस्टर था प्रभास का, वो लुक, और उसके साथ एक उर्गम का एक और लुक, है ना, टैटू के साथ भी कॉपी करने की कोशिश, सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से, है ना। मैं मानता हूँ कि यार ये एक आध चीज़ें जो ना, जो छोटी छोटी चीज़ों से वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही की तरफ लिए कह रहा हूँ मैं, एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, वजन डालने की जो कोशिश कर रहे हैं ना भाई, एडिटिंग भी हो सकती है। ऐसे ऐसे टूल्स हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे ऐप्स हैं जो एकदम रियल बेस पर हमको एडिटिंग दिखाते हैं।
हैं। वहीं दूसरी तरफ सालार के फैंस कहाँ पीछे हटने वाले हैं, वो भी डंकी को डलकर सलमान जो मलयाली एक्टर है हमारे, उनके CIA मतलब कॉमरेड इन अमेरिका का मूवी का रीमेक बता रहे हैं, वो भी प्रूफ दे रहे हैं, सिमिलैरिटी सेट कर रहे हैं। डलकर सलमान की कोई एक रैंडम पिक होगी, उसके साथ डंकी की थीम पोस्टर है जो शुरुआत से ही आ रही है शाहरुख खान की, उसी के साथ मैचअप करने की कोशिश कर, तो बस वही चीज़ सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से घूम रही है। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ एडिटिंग भी हो सकती है और कुछ नहीं। देखो, बहुत सी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट से लड़ाई लड़ी जा रही है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं पर्दे के पीछे भी जंग लड़ी जा रही है। कैसे, आई डोंट नो, ये रूमर है क्या है, लेकिन कुछ तो उड़ता उड़ता सुनने में आया है, जो एनिमल के डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं ना, वही सालार मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं। देखो, एनिमल जो धमाका काट रही है भाई साहब, टाइगर 3 के बाद सीधे दूसरे दिन जब एनिमल आई है, किसी को टाइगर 3 याद थी? बिल्कुल याद नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं थी, क्योंकि जब एनिमल ने हाई पकड़ी भाई साहब, क्योंकि टाइगर 3, मैं नहीं कह रहा कि टाइगर 3 कमज़ोर है, अपने कंटेंट में बाप मूवी है वो, और ज़बरदस्त करके जाएगी, लेकिन जब एनिमल का जब टीजर आया, वहाँ से जो हमें टॉक्सिक देखने को मिला, टॉक्सिक रस्टीनेस है ना, ब्लडी वॉर देखने को मिलेगा वहाँ पर, ब्लड की कोई कमी नहीं होने वाली, ब्रुटैलिटी की कोई कमी नहीं होने वाली है, है ना। अगर मैं एक कॉम्बो सेट करूँ, टॉक्सिक ब्रुटैलिटी भाई साहब वहाँ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती का मसाला नहीं घुसेड़ा जाएगा, रियल वेज पे हमें चीज़ें दिखाने की कोशिश करी जाएंगी, जिसके लिए संदीप रेड्डी वांगा जाने जाते हैं। रॉ बिहेवियर होता है कि इनडिसिप्लिन पर्सन का, वही उठा के रखा है, और वही एनिमल टीजर में भी हमें देखने को मिला है। तो ये जो न्यू जनरेशन है, इसमें ना बवाल कटा पड़ा है एनिमल को लेके, और बाय गॉड ये मूवी धमाका काट के जाएगी, ज़बरदस्त काट के जाएगी। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, जो एनिमल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सालार के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कहीं से उड़ता उड़ता ये आया था कि एनिमल मूवी को हम तब रिलीज करेंगे जब आप डंकी के सामने सालार को हमें ज़्यादा सोच दोगे, ये थिएटर वालों से ऐसी रिक्वेस्ट वाला मुझे कहीं ना कहीं से सुनने को मिला था। अब ये कितना सच है कितना नहीं, आई डोंट नो, लेकिन सामने एक्टर एंड बिजनेसमैन SRK हैं, और जब ये बंदा है